नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। मैं आपके सामने फिर से पेश हो गया हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि आज हम और आप इंडियन टेस्ट की रसोई में इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी बनाएंगे। साथ ही साथ हम लोग दूध की बिल्कुल स्वादिष्ट रबड़ी भी तैयार करेंगे। अब जलेबी बनाने के लिए हम लोग घंटों इंतज़ार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हम मिनटों में ही हम लोग जलेबी की रेसिपी बना लेंगे। तो इसके लिए हम लोग 1 कप मैदा ले लेंगे और साथ ही साथ इसमें मोइन के लिए हम लोग 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेंगे, जब तक लिए हाथों से दाबने पर इस प्रकार से गाँठे ना बनने लगे। जब गाँठे बनने लगे तब समझिए कि आपकी मोइन बिल्कुल मिक्स हो गया मैदा में। अब इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको हम लोग स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी कट्ठाई के बारे में नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। अब थोड़ी देर में देखिएगा, जब आपके बैटर बिल्कुल स्मूथ तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से इसका टेक्सचर हो जाएगा, तब समझिए कि आपका बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम लोग ढक देंगे आधा घंटा तक इसे हम लोग सेट होने के लिए। तब तक ले दोस्तों चलिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग 1 कप चीनी ले लेंगे और जस्ट उसका आधा हम लोग पानी ले लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इस प्रकार से चलाते हुए इसे हम लोग मेल्ट कर लेंगे इसे, और जब हल्का सा मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम लोग स्वाद को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम लोग इलायची का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो आप उसमें खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ केसर के रेसे भी डालेंगे, इससे भी इसका स्वाद इन्हेंस हो जाता है। अब 5-10 मिनट के बाद में देखिएगा ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ इसे, देखिए अभी हल्का हुआ है और इसे हम लोग 2-3 मिनट और उबलने देते हैं। अब ये 2-3 मिनट हो चुका है, अब ये हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग फूड कलर यूज कर लेंगे, ऑरेंज कलर का, ठीक है, ताकि जो जलेबी का कलर होता है बिल्कुल वो जलेबी वाला कलर आ जाए मार्केट में जो मिलता है। और चलिए दोस्तों, ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है, इसे हम लोग अब साइड में रख देते हैं और अब रबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेंगे हम लोग और इसमें उबाल आने देंगे। इसे 5-10 मिनट तक लिए बिल्कुल हम लोग मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए उबाल लेंगे। और थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद देखिएगा, इस जब दूध हल्का गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तब उसमें हम लोग, आप चाहे तो अगर आपके पास कंडेंस मिल गए तो आप कंडेंस मिल्क का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल जल्दी बनके तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मावा वाला हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि 10 मिनट हो चुका है और दूध हमारा कम भी हो गया हल्का सा। अब इसमें लोग 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में फिर से इसे हम लगातार चलाते हुए 5-10 मिनट के बाद में देखिएगा कि हमारा ये रबड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसके स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए हम लोग इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, और साथ ही साथ ये अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। रबड़ी ज़्यादा मीठा नहीं होता, इस चलते चीनी का यूज कम ही करेंगे हम लोग इसमें, फिर भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग से ले लीजिएगा। ये हमारा रबड़ी भी तैयार हो गया है। अब चलिए देखते हैं हमारा बैटर बिल्कुल सेट हुआ है कि नहीं। इसे अच्छे प्रकार से फिर से हम लोग मिक्स कर लेंगे और देखिए, अब इसको हम लोग इंस्टेंट बनाने के लिए इसमें हम लोग 1 इनो का पैकेट खोल के इसमें डाल देंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे इसमें, ताकि जब इसमें रिएक्शन हो जाएगा तब इसको अच्छे प्रकार से फिर मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लगातार मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा जलेबी बनाने का बैटर तैयार हो गया है। अब आपके पास इस प्रकार से सॉस वाली अगर बोतल है अगर, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूध की थैली का भी यूज कर सकते हैं। मैं दूध की थैली का यूज करूँगा। देखिए, इस प्रकार से ऊपर मैंने रबर बैंड लगा दिया है। अब इसमें हम भर लेंगे, ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार इसे काट के इसका हम लोग आगे वाला सिरा काट लेंगे। और तेल हल्का गर्म होने के बाद इस प्रकार से हम लोग छोटी छोटी जलेबी के आकार में इसे बना देंगे। दोस्तों, जलेबी तो मैं अक्सर बनाता नहीं हूँ, इसलिए इसकी साइज बिल्कुल अलग अलग बन रही है। कोई बात नहीं, बत्तीस से हम लोग खाने से मतलब है, और 1-2 बार बनाने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में इसकी बनावट भी अच्छी हो जाएगी। इस चलते आप लोग इसके बनावट पर ना जाएं, आप इसके रेसिपी के बनाने के तरीके पे गौर करें, ठीक है। और इसे उलट पलट करते हुए बिल्कुल हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। इसे जब ये फ्राई हो जाएगा, देख सकते हैं, इसे हम लोग निकाल लेंगे और सिरप जो है कि हमारा शुगर सिरप, उसमें हम लोग जल से डाल देंगे। ध्यान रखिए, शुगर सिरप हल्का सा गर्म होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा ये जलेबी सारी। तो इसे लगभग 30 से 40 सेकंड डुबो रहने के बाद में इसे हम लोग निकालेंगे। ज़्यादा देर मत डुबा रखिएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। 30-50 सेकंड में ही ये लगभग जितने एब्जॉर्ब करना होगा एब्जॉर्ब कर लीजिएंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार से हम लोग दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारे इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। और
दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और जब आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो बाज़ार से जलेबी खरीदने से अच्छा है कि आप घर में इसकी रेसिपी बनाएं और फिर आराम से खाइए, ठीक है, और पड़ोसियों को भी खिलाइए, पड़ोसी भी आपकी तारीफ करते हुए ना थकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए दूसरा बैच बिल्कुल तैयार हो गया है और 30 सेकंड 40 सेकंड रखने के बाद में इसे तुरंत हम लोग इसे निकाल लेंगे और थोड़ी देर इसके सिरप को बिल्कुल टपकने के लिए इस प्रकार से हम लोग रख देंगे। तो सारी जलेबी की हमारी तैयार हो गई है। इसी प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमारे जलेबी की बनाने के लिए हमें लगभग 10-12 घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसे तुरंत घोलिए, तुरंत बनाइए। तो दोस्तों हमारी ये जलेबी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी और बिल्कुल रस भरी बनेंगी। आप एक बार इस मेथड से बना करके देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों सारी जलेबी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम लोग रबड़ी वर्क के साथ में इसे हम लोग सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के दोस्तों नमस्कार।